लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सॉरी कैलाश बाबू, हम माँ और बच्चा किसी को बचा नहीं सके। कितने दुख की बात है, एक तो बेचारे की पत्नी और बच्चा दोनों मर गए, ऊपर से कुदरत का ये जुल्म। वैसे डॉक्टर, एक डेढ़ महीने में ठीक तो हो जाएंगे ना? ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन लेकिन क्या? शादी के लायक नहीं रहेंगे। व्हाट? यस, अब इनका घर औलाद से हमेशा खाली रहेगा। बेटा, शांति तो मन के भीतर ही होती है, परंतु जब ये मन से भटक जाती है तो मनुष्य से प्राकृतिक दृश्यों में खोजता है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी शांति प्राप्ति के लिए हिमालय की शरण ली। हिमालय सुख और शांति का ठहरा हुआ सागर है। व्याकुल से व्याकुल मनुष्य भी वहां जाकर एक अनोखी शांति में रम जाता है। किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का लिखा कौन टाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। किस्मत के हाथ में दुनिया की डोर है, किस्मत के आगे तेरा कोई न जोर है, सब कुछ है उसी के हवाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया।
किस्मत में लिखा है जो सुख का सवेरा, कब तक रहेगा ये गम का अंधेरा, एक दिन तो मिलेंगे उजाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। सच्चा तीरथ ऊंचा हिमालय, ये मन का मंदिर सुख का शिवालय, दुनिया ही पे तू रमाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का लिखा कौन टाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। थैंक यू चीफ इंस्ट्रक्टर साहब और साथियों, आज 7 साल से माउंटेनियरिंग क्लब मेरी सरपरस्ती में नहीं, आपकी जवान हिम्मतों के सहारे चल रहा है। ये विशाल चट्टाने जिंदगी के उतार चढ़ाव की तरह फैली हुई है, लेकिन जिनके पास हौसले हैं, उमंगे हैं, उन्हें रास्ता भी मिल जाता है और मंजिल भी। हमारी ये धरती जो आकाश को छू रही है, इस तक पहुंचने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ये है मिस्टर अमर कुमार, जो अफ्रीका से माउंटेनियरिंग के लिए यहां तशरीफ लाए हैं। बेसिक माउंटेनियरिंग 5 तरह की होती है, रॉक क्लाइंबिंग, रॉक रैपलिंग, स्नो क्लाइंबिंग, स्नो रैपलिंग और चिमनी क्लाइंबिंग। अब आप लोगों में से कोई बता सकता है कि हमें सबसे पहले किस चीज से शुरू करना चाहिए? यस सर, रॉक क्लाइंबिंग। वो क्या कर रहे हो? मैं नाम की हूँ, सोमना नाम है मेरा। देखिए सोमना जी, हमारा बॉल इधर आया है। आया है और जा रहा है। अरे जवाब नहीं आपका। अरे बॉल तो देती जाइए ना। क्यों दे दूं जी, ये बॉल हमारा है। लेकिन ये हमारे बाग में आया। अरे वाह, आपके बाग में जो भी आ जाए आपका हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। तो फिर मैं भी आ जाऊं? शौक से आ जा, सेव बनाकर पेड़ पे लटका दूंगी। मंजूर है, लेकिन देखभाल आपको करनी पड़ेगी। कच्चा खा जाऊंगी। अरे चली कहाँ, बॉल तो देते जाइए। मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ, जो तुम्हारा बॉल उठा उठा कर फेंकती फिरूं। जब देखो बॉल इधर चला आ रहा है, बाग न हुआ खेल का मैदान हो गया, नहीं मिलेगा बॉल। देखिए सुनिए, मैं कह देता हूँ पछताओगी। ये गेंद कहाँ से आई? अपने बाग से है। बाग में क्या गेंद उगती है? है किसकी? उन्हीं पहाड़ी स्कूल वालों की। इतवार का दिन निकला नहीं कि हाथ पांव निकल आते हैं, क्रिकेट खेलेंगे। अरे क्यों उन्हें परेशान करिए, जब वापस ले आओ।
नहीं माँ, अब इसे कैलाश बाबू के पास ले जाऊंगी, एक में 10 जोड़कर शिकायत करूंगी। खेलना तो क्या, यहाँ रहना भी मुश्किल कर दूंगी। इन छोटी छोटी बातों से कैलाश बाबू को परेशान मत करना, वैसे उनके एहसान क्या कम है। तेरे पिता के गुजरने के बाद ये सेबों के बाग का सहारा उनकी तरफ से न मिलता तो न जाने हमारा क्या हाल होता। चुग चुग जिए कैलाश बाबू। हेलो कैलाश बाबू, हैं? जी हेलो डॉक्टर, क्या हाल है? बस देख लो, मरज बढ़ता गया, जूं-जूं दवा की। 7 बरस हो गए तुम्हारा इलाज करते हो, मगर मजाल है, जरा भी फायदा हुआ? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम्हें अच्छा करके मैं खुद बीमार हो जाऊं? माय डियर फ्रेंड, तुम जैसे रईसों पे तो अपना दवा खाना चल रहा है। डॉक्टर कल शाम से कुछ खांसी सी है और पेट भी थोड़ा खराब है। मालूम होता फिर बदपरहेजी की। बिल्कुल नहीं, रात में देर से सोते हो? जल्दी सो जाता हूं। तो फिर तुमने जरूर सिगार पीना शुरू कर दिया। सिगार मुद्दत हुई छोड़े हुए, मैं तो उसका नाम भी भूल चुका हूं। और ढूंढने से इस घर में उसका एक टुकड़ा भी नहीं मिल सकता। क्यों डॉक्टर, नया लाइफ मैगजीन देखा तुमने? सर्जरी पर बहुत अच्छा आर्टिकल आया है। मैं पढ़ चुका हूं। गले में कुछ फंस गया, अभी निकालता हूं। यही फंस गया था ना गले में। तुम सिगार पीना नहीं छोड़ सकते भाई? सिगार यहां कैसे, कौन रह गया? मैं अभी पूछता हूं। ए गौरंग, हेलो। किसी से पूछने की जरूरत नहीं, अपने दिल से पूछो। आखिर तुम्हारी आदत छूटती क्यों? क्यों अपने जान के दुश्मन बन गए? 1000 दफा समझा चुका हूं कि सिगार सिगरेट तुम्हारे लिए जहर है, मौत है, लेकिन तुम्हारी समझ में ही नहीं आता। पढ़े लिखे होकर भी जाहिल बने हुए। डॉक्टर ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे डांटा, मैं वाकई सिगार आइंदा ऐसे माफ कर दिया। मुझे माफ, तुम मुझे माफ करो और किसी और डॉक्टर को ढूंढो। तुमसे परहेज नहीं हो सकता और मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता। I'm very sorry. अरे यार इतना सीरियस होने की क्या बात है? तुमने कह दिया सिगार बंद कर दो, लो आज से सिगार बंद। लो चलो, कान पकड़ लो। वादा? पक्का वादा। चाहे तो पी के चले। संजय सिंह घबरा गए? लेने नहीं, कुछ देने आया हूं। देसी नहीं, विदेशी टुकड़े। रोलेक्स घड़ी, स्विट्जरलैंड। रॉनसन लाइटर, जर्मनी। यंग हो चाकू, चाइना। डियर मैं तो तन मन धन से लाइफ टाइम ग्राहक बनना चाहता हूं तुम्हारा, लेकिन नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि मेरे बाप ने मरते हुए कहा था बेटा स्मगलर बन जाना, लेकिन स्मगलिंग का माल कभी मत खरीद। बहादुर सिंह एक सर्फ का डब्बा देना। ये शहनाई किसने बजाई? सोना, ईमान से क्या हलचल है, जैसे तूफानों को समेट कर कपड़ों में बांध दिया। तुमने फिर छेड़ की मुझसे? मेरा क्या कसूर? आपके सामने मोम पिघल ही जाता। बहादुर सिंह तुम अपनी दुकान में गुंडों को क्यों आने देते हो? प्लीज इस वक्त यहां से चले जाओ, दुकानदारी का टाइम है, ग्राहक हाथ से निकल जाएगा। घबराओ नहीं, दिल की दीवार खड़ी कर दूंगा, बांध दूंगा प्यार की डोर। सब बांध खींच लोगे, बंद कर बकवास। लो बंद कर दी, बोलना मना है, छूना तो मना नहीं। बदमाश,
हाय राम, इस पेड़ के सेब कौन ले गया? क्या बॉलिंग की है जालिम, विकेटों का ढेर लगा दिया। विकेटों वाली आ रही है। क्यों जी, ये इतने सारे सेब कहाँ से आए, किसके बाग के हैं? ये इधर उधर क्या देख रहे हो? तुमसे पूछ रही हूँ, कभी ऐसे सेब देखे भी हैं? जवाब दो, सुनाई नहीं देता? बहरे हो, गूंगे भी हो, ये हाथ क्या नचा रहे हो? कुछ मुंह से तो फूटो, कोई तो बोलो। शक्लिन तो देखो, घाट घाट के चौकते हैं, लफंगे उचक के उठाई गिरे कहेंगे, और तुम तो सूरत से ही चोर नजर आते हो, भूखे तुम हो, लालची कहेंगे, चोरी का माल निकलते हुए शर्म नहीं आती? भगवान ने चाहा तो गूंगे बहरे ही हो जाओगे, मगर याद रखो मैं भी 10 की 20 हूँ, पाई पाई का हिसाब चुकाऊंगी। सोमना नाम है मेरा। इस बेचारे ने क्या कसूर किया? इसे भी साथ ले जाती? चोर को घर में घुसने दूंगी? इतनी मूर्ख नहीं। मगर तुम कर क्या रही हो? बदला ले रही हूँ। बदला? बदला ले रही हो? चोरी करके? हाँ हाँ, चोरी करके। लेकिन कमरा तो बंद था, तुम अंदर आई कैसे? दीवार फांद कर खिड़की से कूद कर आई। अगर तुम्हें ये चोरी का माल ले जाते हुए किसी ने देख लिया तो? मैं किसी से डरने वाली नहीं, सोमना नाम है मेरा। टोकरी छोटी पड़ गई। आपके टोकरा लेकर आऊंगी। ओहो हो, ठहरो ठहरो, इधर घूम जाओ। ये हाथ नहीं, वो हाथ दो। मैं किसी से डरने वाली नहीं, सोमना नाम है मेरा। अरे ये तो मैं बोल रही थी, ये आवाज कहां से आई? इसमें से। इसमें से? सुनो, दीवार फांद कर खिड़की से कूद कर अंदर आई। कितनी अच्छी आवाज है मेरी। क्यों जी, ये आवाज भरने की मशीन है? नहीं, चोर पकड़ने की मशीन है। अच्छा, चोर कैसे पकड़ते हैं? पुलिस इसकी आवाज और चोर की आवाज मिलाकर देखती है और फौरन पकड़ लेती है। समझ गई। अब ये मशीन पुलिस में जाएगी। क्यों?
इसी पर तो तुम्हारा चलान होगा। मेरा चलान? क्यों? क्योंकि तुमने चोरी की है। और वो जो तुमने इतने सेब चुराए, उसका कुछ नहीं? तुम्हारे पास उसका कोई सबूत नहीं और मेरे पास है। बदला ले रही हो चोरी करके? हाँ हाँ चोरी करके। हाय राम। तुम्हारी आवाज गिरफ्तार हो चुकी है, अब तुम गिरफ्तार होगी। गिरफ्तार? पुलिस स्टेशन, अदालत, जेल, 6 महीने की सख्त सजा, पांव में बेड़ी, हाथ में हथकड़ी। पुलिस वाले भरे बाजार से घसीटते हुए तुम्हें जेल के दरवाजे तक ले जाएंगे और दाढ़ से अंदर ढकेल देंगे। नहीं नहीं ऐसा न करो, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। ले लो, मैं तुम्हारी सब चीजें रख देती हूँ, ये मेरी टोकरी भी ले लो। पछताने से कोई फायदा नहीं, चोर को सजा मिलेगी। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, कान पकड़ती हूँ, मुझे पुलिस के हवाले मत करो। अब कुछ नहीं हो सकता, मगर हाँ हो सकता है। क्या हो सकता है? वही जो फिल्मों में होता है। फिल्मों में क्या होता है? जब लड़की मजबूर हो जाती है तो गाना गाती। गाना? नहीं नहीं मैं गाना नहीं गाऊंगी। नहीं गाओगी? सुनो 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 सुनो। क्या बात? बात यह है कि जो गाना मुझे याद है वो प्रेम का गाना है और मुझे तुम्हारे सामने शर्म आती है। अच्छा, इसमें शर्माने की क्या बात है? तुम कोई अपनी खुशी से थोड़ी गा रही हो, तुम तो मजबूरी से गाओगी। हाँ, ये तो है। तो फिर शुरू हो जाओ। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर। नहीं 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 नहीं, फिल्मों में लड़की ऐसा नहीं गाती। तो कैसे गाती है? कुछ नाज नखरे से, अदा के साथ, डांस करके। नहीं, मैं ऐसे नहीं गा सकती। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर। ओ सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर। कैसा जादू किना तूने मुझ पे, ओ जादूगर। सैया
क्या ढूंढ रही हो? तुम्हारे पति देव तो यहाँ विराजमान। तुम्हें नहीं, तुम्हारी लाडली बेटी को ढूंढ रही हूँ, यहाँ भी नहीं। तो बस तुम तो बैठे दाक्षी झाड़ते रहो, कुछ घर की भी खबर है? शोभा को इधर मौका मिला उधर गायब। तो उसे साफ साफ कह दो, मौके से फायदा उठाओ मगर ज्यादा नहीं। तुम तो बुद्धू के बुद्धू ही रहे। मैं उस बहादुर सिंह की बात कर रही हूँ। उस जनरल मर्चेंट के बच्चे ने ऐसा जादू कर दिया है शोभा पे कि घर में उसका दिल ही नहीं लगता। मैं कहती हूँ अगर प्यार का रोग जड़ पकड़ गया तो फिर कोई दवा काम नहीं आएगी। ऑपरेशन कर देंगे। क्या मेरा मतलब है शादी कर देंगे। शादी उस दो टके के दुकानदार से? मेरा दामाद तो मिनिस्टर होगा, कम से कम डिप्टी मिनिस्टर। मिनिस्ट्री का भरोसा न करना मैडम, बैठने वाला एक ही झटके में गायब और दुकानदार अगले जन्म में भी दुकानदार रहेगा। मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं, सीधी जा रही हूँ उस कबाड़िया के पास। अरे सुनो तो, तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं, ये मेरा अपना मामला है, समझे? बैठे तमाशा क्या देख रहे हो, उठाओ ना। मैं कैसे उठा सकता? मरते हुए कहा था बेटा तुम सबसे छुप सकते हो लेकिन पुलिस और प्यार की नजरों से कभी नहीं छुप सकते। मगर ये भेष बदलने की क्या जरूरत पड़ गई तुमको? तुम्हारी माँ के डर से। आखिर कब तक डरते रहोगे? जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है। क्या? मेरा मतलब है जब तक तुम्हारी और हमारी शादी नहीं हो जाती। कैसे होगी हमारी शादी? तुम तो मेरी माँ से बात ही नहीं करते, बस नाम के बाहर दूर हो। क्या बात करती हो, अभी चलो बात करता हूँ। लेकिन नहीं। क्या? क्योंकि मेरे बाप ने मरते हुए कहा था बेटा मोहब्बत करने में जल्दी करना लेकिन शादी करने में कभी जल्दी मत करना वरना मुसीबत में फंस जाओगे। शोभा इधर आई है। अरे कहाँ चली? तुम्हारी माँ का एक हाथ पड़ गया ना तो मॉडर्न आर्ट बन जाऊंगा। कहाँ है वो बहादुर सिंह का बच्चा? मम्मी बहादुर सिंह तो चला गया। चला गया? अभी मालूम होता है कहाँ गया है। बच के कहाँ जाएगा? हड्डी पतली ना तोड़ दी तो मेरा नाम चंपा देवी नहीं। ये तो स्टैचू है माँ, पुतला पुतला पुतला। चलो पुतला ही सही, इसी से बदला लूंगी। वाह चपटी नाक पे ये असर। रबर का है माँ, रबर का। रबर का? मगर असली मालूम होता है, कान भी असली है, बाल भी असली है, बोलता भी है। बोलेगा कैसे माँ, ये तो पुतला है पुतला। अभी बोलता है। माँ टांग टूटा है, बहुत पैसे भरने पड़ेंगे। पैसे भी कैसे, रबड़ की है ना। ओह माँ बस करो, माँ बस
बोल देना मेरी बेटी का पीछा छोड़ दे। तुझ पे तो दया की, उस पे दया नहीं करूंगी। चाल दीजिए, मैं खुद उठा लूंगी। वक्त पे एक को दूसरे की मदद करनी ही चाहिए। आप बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत बुरे भी हैं। एक ही वक्त में मैं अच्छा भी हूं और बुरा भी हूं। अच्छे इसलिए कि उस दिन आपने मुझे छोड़ दिया, बुरे इसलिए कि आपकी वजह से डांट खानी पड़ी मुझे। किसने डांटा? माँ ने। वो जो मैं आपके कमरे में आई थी ना, माँ को मालूम हो गया। कैसे? उन्होंने देख तो नहीं लिया? मैंने बताया, खूब डांट पड़ी। पड़नी ही थी। कहने लगी, इतना बड़ा कसूर माफ कर दिया, ऐसे नेक आदमी को तो घर लाना चाहिए था। अच्छा? हाँ, और ये भी कहा कि वो फिर कभी मिल जाए तो मुझसे जरूर मिलाना। मैं तो डर गया था, ये तो अच्छी खबर निकली। अच्छा मैं चलता हूँ। सुनिए, घर नहीं चलेंगे? आज नहीं, फिर कभी। क्यों? इस तरह मेरा तुम्हारे साथ अचानक जाना बुरा लगता है। बुरा उनको लगेगा जिनके दिल में चोर हो, हमारे दिल तो बिल्कुल साफ है। क्यों? हाँ हाँ बिल्कुल साफ है। तो चलिए। चलो। उस दिन ना तुम्हारी गेंद हमारे बाग में आती, ना हमारी तुम्हारी मुलाकात होती। सब संजोग की बात है। आओ आओ, अंदर आओ, इसे अपना ही घर समझो। बैठो बैठो, आराम से बैठो, मैं भी माँ को बुला के लाती हूँ। क्या पियोगे, चाय या कॉफी? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। वाह, ऐसा कैसा हो सकता है, घर आए मेहमान की कुछ तो खातिर करनी चाहिए। फिर जो तुम्हारी मर्जी। दरवाजा क्यों बंद कर दिया? सोमना, दरवाजा खोलो, मैं कहता हूं दरवाजा खोलो। अब ये दरवाजा सबके सामने खुलेगा। क्यों? क्योंकि डंडों से तुम्हारा स्वागत होगा, वो धुलाई होगी कि नाक कान आंख सब साफ हो जाएंगे। माँ मैं अभी आई। अरे कहाँ चली, वो बाहर वाला दरवाजा खुला रह गया। मैं जाओ जल्दी बंद कराओ। अरे वो तो हमेशा खुला रहता है, आज नहीं बात क्या है। अरे हाँ वो तो हमेशा ही खुला रहता है। चल नमस्ते कैलाश। ओह नमस्ते लीला मौसी, अच्छी तो हो। जी हाँ आपकी दया है। सोमना नमस्ते तो करो कैलाश बाबू को। नमस्ते। नमस्ते, क्या सोच रही थी? जी कुछ नहीं। कुछ कैसे नहीं, चेहरा बता रहा है कुछ बात है। लीला मौसी हमसे ये कुछ छुपा रही है। अरे क्या बात है बताना। क्या बोलूं, बोलने की बात ही नहीं है। माँ शक्कर तो बाहर ही रह गई। मैंने तो अंदर रखी थी। लेकिन मैंने फिर बाहर रखी थी। ओहो बारिश हो गई तो सारी शक्कर बह जाएगी, वैसे ही शक्कर का काल पड़ा हुआ है। जा भाग जल्दी। अच्छा बड़ी गृहस्थन हो गई है तो लीला मौसी। Thank you.
ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं। पर्दा हटा दो, को भी समझा दो, बस इतना बता दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं। ओ मजनू के नाना, मेरे पीछे न आना, जा प्यार करने वाले तेरी खैर नहीं, अरे यो हम पे मरने वाले तेरी खैर नहीं। ये पर्दा हटा दो, जहाँ मिले दो जवान नजर होती तकरार वही है, दिल पर रख कर हाथ ये कह दो हमसे प्यार नहीं है। जहाँ मिले दो जवान नजर होती तकरार वही है, दिल पर रख कर हाथ ये कह दो हमसे प्यार नहीं है। पहले बताते बारात लेके आते, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं। ओ मजनू के नाना, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं। ये पर्दा हटा दो, जा तुम्हारा नंबर आ गया, इनाम तो सिर्फ तीन को मिल रहा, मैं तो चौथा हूँ। सुनकर खुशी होगी कि श्री कैलाशनाथ ने अपनी ओर से दौड़ में भाग लेने वाले सभी बच्चों को इनाम देने की घोषणा की है। थ्री चेयर्स फॉर श्री कैलाशनाथ। हिप हिप हुरे, हिप हिप हुरे, हिप हिप हुरे। थैंक यू अटेंशन प्लीज, जरा ध्यान दीजिए, अब फादर्स डे शुरू होने वाली है, इसलिए बच्चों के पिताओं से विनती की जाती है कि वो दौड़ के स्थान पर तुरंत चले जाए। थैंक यू। अरे कैलाश बाबू नहीं गए, वो कैसे जाएंगे, उनका तो कोई बच्चा नहीं है। कैलाश तुम तो फंक्शन छोड़कर क्यों चले आए? नहीं, कोई जरूरी काम याद आ गया था। चुपचाप खामोश अकेले बैठे रहना, यही है ना वो जरूरी काम। बाजिए डॉक्टर, मैं जानता हूँ वो बात क्या है। बच्चों को देखकर तुम्हारी प्यास भड़क उठती,
लेकिन इस प्यास का इलाज तुम्हारे पास है। किसी बच्चे को गोद ले लो, वो इस घर में नाचेगा कूदेगा, तुम्हारा मन बहल जाएगा। नहीं डॉक्टर, मैं किसी के बच्चे पर अपनी बदनसीबी की छाया नहीं पड़ने दूंगा। बदनसीबी की दीवार तो तुमने खुद उठाई है, तुम्हारे अपने बच्चे भी तो हो सकते हैं। शादी कर लो डॉक्टर। आज मैं चुप नहीं रहूंगा। ऐसी क्या उम्र हो गई तुम्हारी, किसी भी दुहाई को अपना लो। हम उम्र तो हम सफर बन सकता है। नहीं बन सकता डॉक्टर, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मेरा ये सफर सफर नहीं है, एक ठहरी हुई मंजिल है। कैलाश, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं अकेला ही अच्छा हूं। ना कोई आगे ना पीछे, कोई मेरा नहीं मैं किसी का नहीं। इतनी अच्छी जिंदगी मिली है मुझे डॉक्टर, हाल की फिक्र ना भविष्य की चिंता, कोई झंझट ही नहीं जीने में, कोई सपना ही नहीं मेरे। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार, बच्चों की किलकारी से गूंजे सारा दरबार। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। गुड्डा गुड़िया बाजा मोटर एक शोर हमेशा मचा रहे, एक शोर हमेशा मचा रहे। भूखे गरीब की यही दुआ है। बंद करो ये रात, बंद करो बाबा, ये गाना यहां मत गाया करो। इन दीवारों से टकराकर तुम्हारी दुआएं लौट जाएंगी, इस घर में ये फलने फूलने वाली नहीं है। अपनी दुआएं जाया ना करो बाबा, ये लो। खबर तो बहुत पुरानी है, मेरे बाप ने मरते हुए कहा था बेटा, जब कभी तुझ पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े तो ये ढोल बजाकर लोगों को इकट्ठा करना, इन्हीं में तुझे कोई राह सुझाने वाला मिल जाएगा। जब तेरी की 2% की बात और 9% की ढोल, हम तो समझे थे कि कोई हमारी मतलब की बात होगी। चलो 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 ए काका, ओ मामा, ओ देवियो, मेरी बात तो सुनते जाओ। अरे सुनो तो, बहादुर सिंह ये सब क्या ड्रामा है? मोहब्बत के भंवर में फंस गया हूँ, हाथ पांव मार रहा हूँ। क्यों, शोभा ने शादी से इनकार कर दिया? नहीं नहीं नहीं, माँ बेटी दोनों राजी हैं, मगर शर्त ये है कि पहाड़ पे चढ़ जाऊँ या जग्गू पहलवान से लड़ जाऊँ। इसमें कौन सी मुश्किल है, हमारे साथ चलो पहाड़ पे चढ़ जाओ। मैं तो गधे पे भी नहीं चढ़ सकता, पहाड़ पे क्या चढ़ूंगा। ओ तो फिर पहलवान से फिर जाओ। तुम्हारी कसम चूरा हो जाऊंगा। कमाल करते हो, आजकल इंसान भगवान को खरीदने लगा है, तुम एक पहलवान को नहीं खरीद सकते। वो कैसी? मुट्ठी गरम पहलवान नरम, मुट्ठी गरम पहलवान नरम। अरे जाने तेरा जवाब नहीं, मैं जाऊं पकड़ूं। जाओ 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 जाओ। डूबती जा रही है, बस 5-10 मिनट का मेहमान। चलो अच्छा हुआ, हमेशा के लिए इस बला से जान छूट जाएगी। और भाग जाएगी मैडम, ये गया और पुलिस का पंजा आया तुम्हारी गर्दन।
क्यों? ये मरा नहीं, मारा गया है। कछुआ निकल गया है बेचारे। एक, दो, तीन, पांच, बीस, पच्चीस, अट्ठाईस। देख लो, बेचारा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। मैडम, इसकी मौत की जिम्मेदार तुम, न तुम शर्त रखती, न ये पहलवान से लड़ता, न ये मरता। अब तुम कानून से बच नहीं सकते। कंबा, मरकर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता। देख क्या रहे हो? दो चार इंजेक्शन देके इसे खड़ा कर दो। मेरे बहादुर, तू बहादुरी के साथ मर जा। जीते जी तो हम मिल नहीं सके, मरने के बाद हम जरूर मिलेंगे। प्रेम पुजारी, तुम्हारी पुजारन तुम्हारे पीछे आ रही है। शोभा, बेटी। वॉइस, जहर। जहर? इसने जहर पी लिया। हाय राम, जहर पी लिया। जाओ जाओ, नींबू का रस ले आओ, खट्टा जहर को मारता जाओ। अच्छा। मेरी एक्टिंग कैसी रही? परफेक्ट माय चाइल्ड, परफेक्ट। रियलिस्टिक, असली। मुझे बड़ी मुश्किल से मिला जी। जल्दी पिला दो मेरी बच्ची। क्या हो गया? कोई उम्मीद नहीं है। हाय राम, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। बर्बाद हो गई अपने हाथों। इसे भी जहर पिलाने वाली तुम, इसका भी मुकदमा तुम पर चलेगा। तुम्हें एक बार फांसी नहीं, दो बार फांसी दी जाएगी। दो बार? बिल्कुल दो बार। भगवान के लिए, इन दोनों की जाने बचाकर मुझे भी बचा लो। तुम तो डॉक्टर हो ना। अब दवा का नहीं, दुआ का वक्त। इन जाती हुई जानों को बस भगवान ही रोक सकता। जा, प्रार्थना कर। प्रार्थना? ठीक है। हे भगवान, मेरी बेटी को बचा लो और इस मुए नहीं नहीं इस अच्छे बहादुर को भी मरने मत देना। मैं वचन देती हूँ, तुम्हारे चरणों की सौगंध खाती हूँ कि अगर ये लोग अच्छे हो जाए तो मैं इनकी शादी कर दूंगी। ओ मारी ये जानती हूँ फोटो कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? मेरे माता पिता के पास। क्यों? इसलिए कि वो अपनी होने वाली बहू को पसंद कर ले। मगर तुम्हारी माँ ने कोई और लड़की पसंद कर ली तो? मैं अपनी माँ का दिल नहीं तोड़ सकता। तो मेरा दिल तोड़ दोगे? नहीं, मैं तुम दोनों का दिल रख लूंगा। दोनों का? किस तरह? मैं उससे भी शादी कर लूंगा और तुमसे भी। एक अपनी माँ की पसंद की और एक मेरी। अच्छा जी, एक बात तो बता, इतनी बड़ी मॉडल है तुम्हारे पास? इतनी बड़ी तो नहीं है। हो जाएगी, मकान तो बड़ा होगा, कैलाश बाबू के मकान की तरह। मकान जितना बड़ा नहीं है। हो जाएगा, मैं तो कब से सपने देख रही हूँ, एक बहुत बड़ा घर हो। और इस घर में एक बाग भी हो। और इस बाग में रंग बिरंगे फूल खिलेंगे। और इन फूलों में एक और फूल खिलेगा। और इस फूल से मैं दिन रात खेला करूंगी। मैं भी खेलूंगा। नहीं, तुम्हें खेलने को नहीं मिलेगा। क्यों? मेरा कोई हक नहीं, मैं बाप हूँ। तो क्या हुआ, माँ का हक ज्यादा होता है। मैं तो कहती हूँ, हाय राम, बड़े वो हो जी, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? कहेगा कि हम दोनों बड़े बेशर्म हैं। लीला मौसी, मैंने सोमना के लिए एक लड़का देख लिया है। बहुत अच्छा लड़का है, अपनी ही माउंटेनियरिंग क्लब का मेंबर है, तुम भी उसे जानती हो। अमर? हाँ, अमर।
सोमना उसके साथ बहुत खुश रहेगी। बात यह है कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते हैं। सजना सजना ओ सजना, तेरे प्यार में मैं गई खो सजना, तेरे ही कारण बन रे जोगन, अब हो ना मैं जो भी हो सजना, अब ये लागे टूटे ना, अब ये बंधन टूटे ना। सजना सजना ओ सजना, तेरे प्यार में मैं गई खो सजना, तेरे ही कारण बन रे जोगन, अब हो ना मैं जो भी हो सजना, अब ये लागे टूटे ना, अब ये बंधन टूटे ना। शादी अगले महीने ही पक्की। तो फिर आज ही से तैयारी शुरू कर दो। देखो जी, दुल्हन के कपड़े मैं पसंद करूंगी और दूल्हा के मैं मैं तो चुन चुन के अपने सारे अरमान निकालूंगी। मेरा इकलौता बेटा है। मेरा भी इकलौता बेटा है। मैं दिल के चिराग जला दूंगा बारात। लेकिन बारात जाएगी कैसे? परदेश का मामला है। ऐसी धूमधाम से बारात जाएगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। मेरा बेटा फूलों से लदकर, शहनाइयों की गूंज में सच थच कर यूं निकलेगा,
जैसे तारों के झुरमुट से चांद निकलता है। नमस्ते माँ। अमर बेटाओ। माँ ये तुमसे कुछ कहने आए हैं। अच्छा आओ बैठो ना। कहो क्या बात है। माँ जी मैं सोमना से शादी करना चाहता हूँ। मैंने अपने घर खत लिखा था, वहां से जवाब भी आ गया है। मेरे माता पिता इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ। सच पूछो तो मेरी बहुत बड़ी चिंता दूर हो गई। कल मैं पहाड़ पे जा रहा हूँ, मेरे लौटने तक वो भी यहाँ आ जाएंगे। ये तो बहुत ही अच्छा है, तब तक मैं सारी तैयारी कर रखूंगी। अच्छा माँ जी मुझे आगे दीजिए। आइए और कामयाबी के साथ वापस आइए। इस वक्त आपके साथ आपके इरादे ही नहीं हमारी शुभकामनाएं भी। आज आपको विदा कर रहे हैं, कल आपका स्वागत करेंगे। विश यू गुड लक। गुड लक अमर। थैंक यू सर। अच्छा साथियों चलो चले। लुक आफ्टर योरसेल्फ। जा रहे हैं मेरी आत्मा तक मेरे पास नहीं है। कुछ ही दिन की तो बात है। तुम दिनों को कह रहे हो, मुझे तो अपनी एक एक सांस भी भारी है। मैं नहीं जानती थी कि प्यार के अंग में इतना दर्द होता है। सुनो क्या तुम्हें इतना दुख हो रहा है मेरे जाने का। तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं टीम से जाके कह देता हूँ कोई नया लीडर चुन ले। तुम जरूर जाओ अमर, तुम्हें मेरी कसम। ये तो खुशी के आंसू हैं, इनमें तुम्हारी विजय चमक रही है। कल तुम वापस आओगे इज्जत और मान के साथ। लोग तुम्हारे गुण गाएंगे, चारों तरफ तुम्हारा नाम होगा। तो फिर मुस्कुरा दो, जाने वाले मुसाफिर को लोग हंसकर विदा करते हैं। Thank you.
खूब शोर मचा। तूने देखा नहीं, ये जगह जमीन के अंदर है, तहखाना है। पुलिस को भी आज तक इसका पता नहीं चला। नीच, कमीने, जलील। पहले ही कर्जा बाकी है, दूसरा चढ़ा रही हो। छोड़ दे मुझे, चिराग जला लूं तो चली जाना। छोड़ दे मुझे, छोड़ दो, नहीं जान से मार दूंगा। बरामद किए हुए सामान और तुम्हारी सोमना और श्री कैलाशनाथ की गवाहियों से यह साबित हुआ कि मुजरिम शमशेर सिंह बदचलन भी है और स्मगलर भी। इसलिए अदालत शमशेर सिंह को 6 साल सख्त सजा का हुक्म देती है। छह साल में जिंदगी खत्म नहीं होती मिस्टर। राजदान सर, सुल्तान बाहर निकलो, आज बहुत अच्छा दिन है। विजय, ऐसा लग रहा है कि आज हम कामयाब हो जाएंगे। माँ को थोड़ा बुखार है, उनके लिए दवा लेने आई हूँ। नमस्ते डॉक्टर साहब। आओ रूपा, ससुराल से कब आई? जी कल ही आई हूँ। डॉक्टर साहब, आजकल तबीयत कुछ भारी भारी रहती है। खाना भी नहीं खाया जाता। बिल्कुल नहीं खाया जाता। इसलिए कि जी मचलाता है। जी, कभी कभी चक्कर भी आ जाता है। और खट्टा खाने को जी चाहता है? हाँ डॉक्टर साहब। वो तो चाहेगा ही। अरे पगली खाली हाथ क्यों आई? लड्डू पेड़े लेकर आती, तुम तो माँ बनने वाली हो। यस सर, मौसम बहुत अच्छा है, अब हम बहुत दूर नहीं हैं। उम्मीद है 3 घंटे में चोटी पर हमारा झंडा गड़ा होगा। वेरी गुड, आप ही लोगों से पवनगिरी माउंटेनियरिंग क्लब का नाम रोशन होगा। शाबाश। थैंक यू सर। बेस कैंप स्पीकिंग। एडवांस पार्टी समिट की तरफ बढ़ रही है, इस वक्त उनकी हाइट होगी अबाउट। ओके रोजर। बेस कैंप रिपोर्ट करती है, एडवांस पार्टी 24,000 फीट तक पहुंच गई है। गुड। यस कैलाश बाबू, पहाड़ पर गए हुए लोग कब वापस लौटेंगे? क्यों, तुम्हें चिंता हो रही है? प्रिंसिपल साहब, आपको क्या ख्याल है, कब लौटेंगे? ये तो नहीं बता सकता कि कब लौटेंगे, लेकिन ये बता सकता हूँ कि शॉट कहाँ होंगे। यहाँ Thank you.
विजय सीढ़ी तैयार करना। भगवान अमर को जल्दी वापस भेज दो, उसे तो कुछ भी नहीं मालूम। मेरा प्यार कलंक न बन जाए, मेरी लाज मेरा जीवन सब कुछ तुम्हारे हाथ है। अवलांश में हमारे जो मेंबर खत्म हुए उनके नाम हैं विजय कुमार मित्तल, अजीम बेग सुल्तान, सोहन लाल राजदान और अमर कुमार। मार तो सकती है मुझे,
मुझे मार, नौजवान मेरा जिस्म, इन हाथों से मेरा गला दबा दे ताकि पाप का गला घुट जाए। तुझसे इतना भी नहीं हो सकता, तो ठीक है। कैलाश बाबू छोड़ दीजिए मुझे। पागल हो गई हो क्या? अपनी जान के साथ उस नन्ही सी जान को भी खत्म करना चाहती हो? वो जान जो एक बिन ब्याही कोख से जन्म लेती है, उसे कांटों का जीवन मिलता है और उसकी मां को अंगारों का। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सोना, तुम्हें ऐसी जिंदगी मिल सकती है जिसमें मान हो, इज्जत हो, जिसे तुम अपना सर ऊंचा करके चल सको। मैं तुम्हारा हाथ थाम लूंगा। नहीं, मेरे रोम रोम पे, मेरे प्यार के चिन्ह अंकित, मैं अपने शरीर पे किसी और की छाया नहीं पड़ने दूंगी। सोमना, मेरे पास तुम मंदिर की तरह पवित्र रहो। पति के नाम की सिर्फ शरण मिलेगी तुम्हें। इसे एक चादर से तुम्हारा तन भी छिप जाएगा और बच्चे का सर भी ढक जाएगा। सोमना, आज से 7 बरस पहले मेरी एक तरह से मौत ही हो चुकी है। शायद तुम्हें सहारा देने के लिए इस रूप में मेरा दोबारा जन्म हुआ है। जीवित है? ओम तदेव लग्नम सुजनंत देवा तारा बलम चंद्र बलंत देवा विद्या बलम दैव बलंत देवा लक्ष्मीपति देंगुम सुरामी ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वा सदादिगे शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। केस ऑफ कोमा। आपके ख्याल में होश कब तक आएगा? कुछ कहा नहीं जा सकता, बच तो जाएगा, उम्मीद तो है। मैं तो कब से सपने देख रही हूँ, एक बहुत बड़ा घर हो और इस घर में एक बाग भी हो और इस बाग में रंग बिरंगे फूल खिलेंगे और इन फूलों में एक और फूल खिलेगा। सोना, मैं एक किताब पढ़ रहा था, मुंशी प्रेमचंद जी की सेवा सदन, यही कहीं रखी थी, मिल नहीं रही है, जरा ढूंढोगे प्लीज? जी। यहाँ पड़ी थी। आह, थैंक यू। लेकिन सेवा सदन ढूंढ देने से पति सेवा समाप्त नहीं हो जाती। पहला काम ये होता है, पति बाहर से आए तो उसको चाय वाय पिलाओ और सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्कुराकर उसका स्वागत करो। तुम नहीं मुस्कुराओ? मुस्कुराओ भाई, हम बाहर से आए हैं, मुस्कुराओ। हैं? हाँ, तार। तार? किसका है? सोमना देवी, केयर ऑफ कैलाश ऑर्चर्ड। है तो हमारा ही, कहां से आया, किसने भेजा, जरा पढ़ो तो। स्वर्ण मेरु अस्पताल से आया है, लिखा है तुम्हारी दुआओं ने मुझे बचा लिया, मैं अच्छा होते ही चलाऊंगा। अमर। अमर जिंदा है?
मेरा खोया हुआ लाल मुझे फिर से मिल जाएगा। मैं इतनी भाग्यशाली हूँ, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मुबारक हो अमर, एक्सरे रिपोर्ट बिल्कुल ओके। तो इसका मतलब मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा? ऑफ कोर्स, तुम जा सकते हो। थैंक यू डॉक। डॉक्टर साहब, हम आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, आपने हमारे बच्चे के साथ हमारी जान बचाई। ये सब भगवान की कृपा है। जाने से पहले आप मुझसे मिल लीजिएगा, मैं कुछ इंजेक्शन लिख दूंगा। थैंक यू। माँ, हम आज ही पवनगिरी कहना चले। बिल्कुल ठीक है। क्यों जी? ठीक तो है, लेकिन पहले ये तो सोच लो वहां जाके करना क्या क्या है। वो सब तो मैंने सोच लिया है, मंगनी और ब्याह सब एक साथ। अब तो मैं बहू को साथ ही लेकर घर जाऊंगी। लीला मौसी, तुम आओ। आ, सुमना भी आई है ना? लीला मौसी, सुमना नहीं है? साथ ले आती तो एक नजर बहू को देख लेती। अब तो चल ही रहे हैं, जी भर के देख लेना। लीला मौसी, तुम चुप क्यों? सुनना तो अच्छी है ना, तुम बोलती क्यों नहीं? क्या बात है, सोमना क्यों नहीं आई? लीला मौसी, तुम्हारी खामोशी मेरी जान ले लेगी। भगवान के लिए कह दो, सोमना कैसी है, कहां है? सोमना अब इस दुनिया में नहीं। तुम्हारी मौत की खबर उससे सहन न हो सकी। Announced the departure of the Super VC-10 to Karachi, Aden, Nairobi, and Dar es Salaam. Passengers traveling on this flight are requested to proceed to the aircraft. Congratulations, Kailash. Beta Mubarak. Thank you, Doctor. Somna kaisi? Bahut achhi. Main mil sakta hu? 5 minute ke baad. Bacche ko idhar le aao. Amar. जब देखो अकेले उदास बैठे रहते हो, अपने लिए ना सही तो हमारे लिए सही। तुम फूलोगे, फलोगे, हम निहाल हो जाएंगे। पिताजी, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ दूं बेटा, तुम बाप हो तो जानते औलाद का दर्द क्या होता है। अच्छे बच्चे नहीं रोया करते, और तुम तो बहुत ही अच्छे बच्चे हो। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा।
कब से तरस रहा था मेरे आंगन में कोई खेले नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा तुझे सूरज कहूँ या चंदा तुझे दीप कहूँ या तारा मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा आज उंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा तुझे सूरज कहूँ या चंदा तुझे दीप कहूँ या तारा मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा नमस्ते भाभी नमस्ते इनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं जरा अच्छी तरह देख लीजिए तो मुझे क्या हुआ है इनको नींद बराबर नहीं आती और भूख तो लगती ही नहीं डट के खाता हूँ जी भर के सोता हूँ लेकिन डॉक्टर बॉबी को भूख नहीं लगती न ठीक से खाता है न दूध पीता है जरा उसे देख बॉबी बेटे इनको तो बॉबी की चिंता लगी रहती है आप ही तो कुछ फिक्र ही नहीं लो डॉक्टर इसे अच्छी तरह देखो जितनी शिकायतें ऐसे हैं वही समझो मुझे भी है इसका इलाज कर दो मैं आप ही आप अच्छा हो जाऊंगा बच्चा तो बिल्कुल ठीक है तुम्हें वहम हो गया मम्मी भूख लगी है दूध ये देखो अपने मुंह से दूध मांग रहा तुम कहते इसे भूख नहीं लगती ये भी तो देखो कि दूध पीता कितना है दो घूंट भी नहीं डॉक्टर साहब इनकी बातों में बताइए पूरी तरह इनका इलाज कीजिए ये हमेशा टाल जाते हैं सुन लिया तुमने ऑर्डर्स फ्रॉम हाई कमांड सांस लो मालूम होता सिगार पीना तुमने बंद नहीं किया सिगार उसे तो मुद्दत हुई छोड़े हुए तुमने तो छोड़ दिया लेकिन वो तुम्हें नहीं छोड़ रहा मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुमने एक दिन भी सिगार पीना बंद नहीं किया यार तुम खामखा शक कर रहे हो मैं तो उसका नाम भी भूल चुका हूँ फिर वही सफेद झूठ बेहतर यही है कि जुर्म साबित होने से पहले तुम इकरार कर लो वरना पछताओगे डॉक्टर सुनो तो देखो चाय ठंडी हो रही कहाँ जा रहे हो तुमने सचमुच सिगार पीना छोड़ दिया ये चमत्कार कैसे ये चमत्कार बॉबी ने किया है डॉक्टर इस अंधेरे घर को इसने उजालों से भर दिया है अब मैं जीना चाहता हूँ गरीब की भाई बाबा जी हैं बहुत दिनों के बाद आए औलाद वालों फूलों फलो पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों जिसने दिया है औलाद वालों फूलों फलो औलाद वालों फूलों फलो बाबूजी क्षमा करना भूल हो गई
अब नहीं गाऊंगा। क्यों नहीं गाओगे? जरूर गाओगे बाबा, रोज रोज गाओगे। बाबा तुम्हारी दुआएं इस घर को रास आ गई। गाओ। जुग जुग जिए तेरा लाल रहे खुशहाल, सदा तेरा नाम करेगा, हर पल जय जयकार करे संसारी ऐसे काम करेगा। भलाई का बदला भलाई मिला है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। सरकार का हुक्म सर आंखों पर। चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े। बाबी तुम फिर गाड़ी पे बैठे हो? मम्मी मैं तो अपने घोड़े पे बैठा हूँ, क्यों मेरे घोड़े ठीक है ना? जी सरकार बिल्कुल ठीक। कुछ ठीक नहीं कहीं, चलो सीधे सोच रहा हूँ, नहीं तो टॉफी चॉकलेट कुछ नहीं दूंगी। हम डैडी से ले लेंगे। आपने इससे बहुत सर चढ़ा लिया है, मैं आपसे भी नहीं बोलूंगी। मत बोलिए, हम अपने बाबी से बात करेंगे, क्यों ठीक है ना बेटे? बिल्कुल ठीक डैडी, मम्मी से कटी। ये बात ही ना कुछ। चलो बेटे चले, लोग अपने को देख कर जलते हैं। अमर बेटा जूस पी ले। माँ कल मैं जा रहा हूँ, माउंटेनियरिंग क्लब से चिट्ठी आई है, ये लोग मुझे अपनी टीम का लीडर बनाकर पावनगिरी ले जाना चाहते हैं। बस जहाँ जरा भी बहाना मिला पावनगिरी जाने के लिए मचल जाता है, मैं तुझे हरगिज नहीं जाने दूंगी। एक बार जाने दो माँ, फिर कभी नहीं जाऊंगा, जाने का नाम तक नहीं लूंगा। सुनते हो जी, ये फिर वही जाने के लिए बचकर आ सकता। ये तेरी बातों में आने वाले नहीं, मुझसे भी ज्यादा सख्त है, अगर फिर तूने वहाँ जाने का नाम लिया तो तेरा घर से बाहर निकलना भी बंद कर देंगे। मैं बांध कर रखने वालों में से नहीं। अमर निंद्र से पूरी है, तुम जरूर जाओ। थैंक यू पिताजी, थैंक यू वेरी मच। ये क्या किया तुमने? अब इसका यही इलाज है। जानबूझ के मौत के मुंह में ढकेल रहे? जिंदगी लाने के लिए भेजा, इसे वहां जाने दो, जी भर कर बुलाए। आंसुओं के इस तूफान में वो बीता हुआ सारा सामान बह जाएगा। क्या रखो बेटा? बॉबी हम ऑफ कैलाश मार। बॉबी सन ऑफ कैलाश नाथ। मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। शक्तर अभी, अब चलिए आपका दूध ठंडा हो रहा है। किसका तार है, कहाँ से आया? दिल्ली से, मुझे कुछ दिन के लिए वहां जाना पड़ेगा। मैं चलूंगा दिल्ली आपके साथ। चले जाना बॉबी साहब, लेकिन दूध तो पीना पहले। बात गड़बड़ हो गई, भाभी को साथ ले जा नहीं सकता और यहाँ ये तुम्हें परेशान करेगा। अब चिंता नहीं कीजिए, आपके लौटने तक मैं यही रहूंगी, हम भाभी को संभाल लेंगे। थैंक यू लीला मासी। Thank you.
बोल दीजिए। हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, बोल तो हमारा है। लेकिन हमारे पास आ गया है। तो क्या, जो चीज आपके पास आ जाएगी वो आपकी हो जाएगी। बड़े तेज हो, क्या नाम है तुम्हारा? बॉबी। नाम तो बड़ा प्यारा है, किसके बेटे? अपने डैडी का। वाह भाई, बातें तो बहुत मीठी मीठी करते हो। चॉकलेट बहुत खाता हूँ ना। आप कौन है? मैं अंकल, आज से तुम और हम दोस्त। बॉबी, बॉबी, हमारी बारी आ गई। मुझे नहीं खेलना। क्यों नहीं खेलना? अंकल, ये सब बच्चे मुझे हरा देते हैं। अच्छा, अगर हम तुम्हें सिखा दें तो? आप सिखाएंगे? हाँ, ऐसा सिखा देंगे तुम सब बच्चों को हरा दोगे, हीरो बना देंगे तुम्हें। हीरो? वही जैसा पिक्चर में होता है। उससे भी अच्छा, कल से तुम ठीक 4:30 बजे इधर आ जाओ। ओके ओके। बॉबी, शाम शाम हो गया, घर चलो। आओ 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 आओ। तो है काम जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ सोना, बॉबी कहाँ है, उसे तो बुलाओ। खेलने गया है, आता ही होगा। लीजिए आ गया। बॉबी, तुम्हारे डैडी का ट्रंक कॉल। ट्रंक कॉल? हेलो डैडी। हेलो बॉबी, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो? आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा बॉबी, मम्मी को तंग तो नहीं करते? नहीं डैडी, मम्मी को बिल्कुल तंग नहीं करता हूँ। पूछो कब आ रहे हैं। डैडी आप कब आ रहे हैं? बहुत जल्द आ रहा हूँ, बिल्कुल परेशान ना होना। परेशान नहीं डैडी, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मुझे एक अंकल मिल गए। अंकल? कौन अंकल, कहाँ मिले? खेल के मैदान में? जी, मुझे क्रिकेट सिखाएंगे, हीरो बना देंगे। ओह, हीरो? आह, वेरी गुड। भाई हमें भी मिला ना आपने अंकल से। जरूर मिलाऊंगा, आप भी उनसे मिलके खुश होंगे। हाँ जरूर खुश होंगे, क्यों नहीं खुश होंगे। अच्छा भाभी, टाइम खत्म हो गया, टाटा, बाय बाय। बाय बाय डैडी। क्यों भाई, ये कौन से अंकल मिल गए तुम्हें? बहुत अच्छे अंकल मिल गए मम्मी। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारे अंकल का? नाम तो नहीं मालूम, कल उनसे बोलूंगा कि मम्मी नाम पूछ रही थी, फिर आपको बताऊंगा। नहीं नहीं, कुछ मत पूछना। वाह बॉबी वाह, तुम तो 2 दिन में ही चैंपियन बन गए। बॉबी, आज से आप बॉबी और मैं अंकल। ओके अंकल। ओ, मेरी गाड़ी आ गई, मम्मी आई। मम्मी, चलो बॉबी घर। नहीं मम्मी, मेरी बारी आने वाली है, खेल कर चलूंगा। आओ तो मैं अंकल से मिलूं। अभी आया। अंकल, मेरी मम्मी से मिलो। मम्मी। कह दिया कि मैं मर गई हूँ, और मुझसे क्यों छुपाया कि अमर जिंदा है? इसमें मेरा कोई दोष नहीं बेटी, मुझे अमर का तार उस वक्त मिला जब तेरा ब्याह हो चुका था। तो यही कह देती, उसे सब कुछ क्यों नहीं बता दिया? मेरे इस छल में केवल सुधार की इच्छा थी बेटी, मैंने यही उचित समझा कि तुम दोनों के दिलों से प्यार की भावना सदा के लिए निकल जाए, तभी एक नए जीवन का स्वागत करो। जिए का सब्र नहीं होता बेटी, मरे का सब्र हो जाता है। तकदीर के आगे किसने हार नहीं मानी?
तूफान में। अमर क्यों मौत के मुंह में जा रहे हो? कहां नहीं, मौत हर जगह है, हर कदम पर है। हट जाओ मेरे रास्ते। पागल हो गए हो? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। मैं मरना चाहता हूँ, मैं जीना नहीं चाहता। मुझे मौत चाहिए, मुझे मौत चाहिए। मम्मी, मम्मी। हाँ बेटे। क्या सोच रही है मम्मी? कुछ नहीं बेटे। बॉबी। डैडी। हाय। डैडी आप आ गए। कहो सोना, अच्छी तो हो? जी अच्छी हूँ। आप कैसे रहे दिल्ली में? फर्स्ट क्लास। नमस्ते लीला मासी। नमस्ते। चलो अच्छा हुआ आप आ गए। डैडी आप मेरे लिए क्या लाए? तुम्हारे लिए? आओ दिखाते हैं। यस यस वेलकम। ये कमाल है डैडी। तुम भी तो कमाल हो मेरे भाभी। बैट बॉल लाए डैडी? बैट बॉल? बैट बॉल तो नहीं लाए। लाना था ना, नए बैट बॉल से अंकल और भी अच्छा सिखाते। अंकल, वो जो तुम्हें हीरो बना देंगे? हाँ डैडी, पर मैंने मम्मी को भी मिलाया था अंकल से। क्या सोना? अब भाई ये अंकल कौन है तुम्हें नहीं जानती हो? बहुत अच्छे अंकल है डैडी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वाह, ये अंकल तो बड़े जादूगर निकले। दो ही दिन में जादू कर दिया हमारे बेटे से। क्यों सोना? आप पर भी जादू कर देंगे। क्यों मम्मी? क्या बात है नहीं बच्चा है? अरे अभी तो सफर से थकी मान दिया है, तो सुस्ता कर देने दो। कितनी भी थकन हो, अपने बॉबी से मिलकर हम फ्रेश हो जाते हैं। डैडी कल ही मिलाऊंगा आपसे अंकल को। अरे कल मालूम है कल क्या है? तुम सभी भूल गए हो। हम कुछ भी नहीं भूले हुए, इसीलिए तो सब काम छोड़कर दिल्ली से आ गए हैं। मेरे बॉबी का बर्थडे। भाई सब बच्चे इंतजार कर रहे हैं, किधर है वो? बॉबी इधर ही होना चाहिए। केतकी जरा बॉबी को बुला, देखो किधर है वो। बॉबी, बॉबी। अंकल मैं आपको लेने आया, आज मेरा बर्थडे है। बर्थडे? हैप्पी बर्थडे बॉबी। या नहीं, मेरे घर चलकर। घर चलकर? फिर किस दिन आ जाऊंगा? किस दिन? क्या बर्थडे तो आज है। बॉबी तुम समझते नहीं, मेरा आना बहुत मुश्किल है। बहुत आसान है अंकल, ये क्या पास ही तो घर है मेरा। देखो बॉबी मैं नहीं आ सकता। नहीं आ सकते? मत आइए, मैं भी घर नहीं जाता। मम्मी डैडी परेशान होंगे, सोने दो। सारा घर मिलकर एक बच्चे को नहीं संभाल सकता? कमाल है, वो कहीं भी चला जाए, कहीं भी निकल जाए, किसी को परवाह ही नहीं। डैडी। ओह ओ बॉबी, तुम कहाँ चले गए थे बेटे? डैडी मैं अंकल को लेने गया था, वो देखिए। अंकल डैडी से मिलो। डैडी अंकल
बाबी इधर आ। अमर मुझे हैरत से ना देखिए, तकदीर में फिर आपसे मिलना लिखा था। बच्चे की सालगिरह मुबारक हो। माफ कीजिए, मैं तो बिन बुलाए मेहमान हूं। नहीं नहीं, असली मेहमान तो तुम ही हो, बॉबी के खास अंकल। अबे अंकल उधर नहीं, इधर। आंटी अंकल एंड फ्रेंड्स, आप मेरे बहुत अच्छे अंकल, मेरी बर्थडे की खुशी में एक बहुत अच्छा गाना सुनाएंगे। आइए अंकल। बॉबी ये क्या? अंकल आपका अनाउंसमेंट हो गया, अब तो आपको गाना पड़ेगा अपनी डैडी, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। क्या तेज बच्चा है, मैं सच कहता हूँ भाभी, इस बुद्धू बाप की झलक तक नहीं है इसमें। अरे अंकल तो गाना गाने वाले और आप लोग ताली नहीं बजा रहे। मम्मी डैडी ताली बजाइए ना, डॉक्टर अंकल आप भी बजाइए। चलिए अंकल। ए बजाओ भाई बजाओ, ताली बजाओ, सब अच्छे ताली बजाओ। ओ नन्हे से फरिश्ते, तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते। ओ नन्हे से फरिश्ते, तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते। ओ नन्हे से फरिश्ते, हैप्पी बर्थडे टू यू, तुझे देखने को तरसे, क्यों हर घड़ी निगाहें, तुझे देखने को तरसे, क्यों हर घड़ी निगाहें, बेचैन सी रहती है तेरे लिए ये बाहें, मुझे खुद पता नहीं है मुझे तुझसे प्यार क्यों है। ओ नन्हे से फरिश्ते, तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते। ओ नन्हे से फरिश्ते, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। नाजुक सा फूल है तू, किसी और के चमन का, नाजुक सा फूल है तू, किसी और के चमन का, खुशबू से तेरी महके, क्यों बाग मेरे मन का, मेरी जिंदगी में छाई, तुझसे बहार क्यों है। ओ नन्हे से फरिश्ते, तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते। ओ नन्हे से फरिश्ते, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कुछ नहीं है मेरा, फिर भी ये तड़प कैसी, तुझे देखते ही खून में
कुछ तो रहता, तेरा इंतजार क्यों है? वो नन्हे से फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते? वो नन्हे से फरिश्ते हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे. बड़ी तेज हवा है. मालूम होता है तूफान आने वाला है. कोई तूफान नहीं आएगा. मौसमी हवाएं हैं, अपने आप गुजर जाएंगी. मेरा भी यही ख्याल है. शोभा डाली, तुम खुशबू का फूल नहीं पेड़ लग रही हो. बस खुशामद करना ही जानते हो और तुम्हारी गोद भरना नहीं जानते. कैलाश बाबू को देखो, बुढ़ापे में शादी की, साल भर में बच्चा मौजूद, और एक तुम हो जो पूरे 6 साल हो गए एक भी बच्चा तक पैदा नहीं किया. मेरी गैरत को आवाज मत दो शोभा, पूरी क्रिकेट टीम पैदा कर सकता हूँ. लेकिन मेरे बाप ने मरते हुए कहा था, बेटा शादी करने में जल्दी करना और बच्चा पैदा करने में जल्दी नहीं करना. मैं सारी उम्र बांझ रहूंगी. बिल्कुल नहीं, मेरे बाप ने मरते हुए ये भी कहा था, बेटा अगर आन पर आ जाए तो मेरी वसीयत की परवाह मत करना. 1, 2, 3. हमारी बिल्ली और हमी से मिल. चोट तो नहीं आई? आज कुछ अपना टाइम ही खराब मालूम पड़ता है, लेकिन मैं भी आज हिम्मत हारने वाला नहीं. किसी और के बेडरूम में इस तरह दर दरा से नहीं घुसना चाहिए. किसी और का छोड़ी है, अपनी बेटी का बेडरूम है, माँ से क्या पर्दा? पर्दा तो तुम्हारी अकल पे पड़ गया. ये पर्दा हटा दो, खुशखबरी सुना दो. हम तो तुम्हारी सासू है, कोई गैर नहीं. बेटा बहादुर चलने की तैयारी करो, बस बेटे का वो देख लो. मेरा बेटा हो गया और मुझे नहीं मालूम. चलो. अरे हुआ नहीं, हो जाएगा, मगर तुम्हें जरा कष्ट उठाना होगा. कष्ट? मैं अपनी इस आरज़ू को पूरा करने के लिए पहाड़ से भी टक्कर लेने. ओह, पहाड़ से टक्कर लेने की जरूरत नहीं, पहाड़ पे चढ़ने की जरूरत है. बच्चे का बरदान देने वाले साधु बाबा ने किन किनाचू पहाड़ की चोटी पर धूली रमाई है.
चिनचिनाचू पहाड़ की चोटी, वो साधु बाबा चिनचिनाचू पहाड़ की चोटी से नीचे नहीं आ सकते? बिल्कुल नहीं, कुआ प्यासे के पास नहीं जाता। तो फिर शोभा को ले जाओ, बच्चा भी तो इसी को होगा। वो साधु बाबा स्त्री का मुंह नहीं देखते, इसलिए तुम्हें जाना होगा। चलो। चल चल रे नौजवान, चल चल रे नौजवान, जीना तेरा काम नहीं मरना तेरी शान। चल चल रे नौजवान, पर्वत पे चढ़े जा, बिन मौत मरे जा। जाएगी तेरी जान मगर होगा तेरा नाम। चल चल रे नौजवान, चल चल रे नौजवान। कैसे जाऊं आगे सासू जी, कैसे जाऊं आगे, ऊंचा पहाड़ नीचे गहरी गहरी खाई डर लागे। कैसे जाऊं आगे सासू जी, कैसे जाऊं आगे। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, सर फूट जाए चाहे टांग टूट जाए, तुझको जाना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। तू अपनी मम्मी के कहने में आकर क्यों खिलखिलाती है मुझको सताकर, एक दिन तू होगी उदास देखेगी जब मेरी लाश। ओ कल के लड़के क्यों करता बहाने, रग रग तेरी कोई जाने ना जाने, लेकिन मैं हूँ तेरी साथ, जानू तू है बदमाश। जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा तेरी बेटी का हाथ, छोड़ दे गर तू मदर इल्ला ये पहाड़ की बात, छोड़ दे गर तू मदर इल्ला ये पहाड़ की बात। अब देर न कर मेरे लाला, तेरी राह तकी है हिमाला। अब देर न कर मेरे लाला, तेरी राह तकी है हिमाला। खाने पड़ेंगे तुमसे थप्पड़ और जो तूने टाला रे, अब देर न कर मेरे लाला, तेरी राह तकी है हिमाला। अल्लाह दुहाई है दुहाई है, कैसा फिर सदी ये जवाई है, सास कसाई मोटी बीवी है दिल की खोटी, सास कसाई मोटी बीवी है दिल की खोटी, आज तो जब बन आई है, अल्लाह दुहाई है दुहाई है। अगर है तू एक सच्चा हस्बैंड जा जा जा, मर्द है तू ना मर्दों जैसी बातें क्यों करता, मर्द है तू ना मर्दों जैसी बातें क्यों करता। मेरी जान तुम्हारी झिड़की में एक प्यार का टच तो रहता है, मेरी जान तुम्हारी झिड़की में एक प्यार का टच तो रहता है। अफसोस मगर तेरी मम्मी का मुंह सूजा रहता है, मुंह सूजा रहता है। जूते को रहने दो, जूता ना उठाओ, जूते को रहने दो, जूता ना उठाओ, जूता जो उठ गया तो ये भी हो जाएगा। मेरी तरह गंजा, मेरी तरह गंजा, मेरी तरह गंजा, मेरी तरह गंजा। मैं
चला मैं चला, सर पे बांधे कफन मौत की राह में, टाटा है जान मन। मैं चला तुम्हारी घड़ी गलत हो सकती है, बॉबी का आना गलत नहीं हो सकता, करेक्ट टाइम पे आएगा। मैं तो उसे देखकर अपनी घड़ी मिला लिया करता हूँ। हाँ बहादुर, वो सचमुच मुझे बहुत चाहता है। ऐसा वैसा चाहता, आंधी हो तूफान हो सबको चीरता फाड़ता चला आता तुम्हें मिलने के लिए। एक बात पूछूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबू तुम्हारा ही बेटा हो? क्या बकते हो। माफ करना डियर, मेरे बाप ने मरते हुए कहा था बेटा। जाने दो, मेरे बाप ने तो मरते हुए बहुत कुछ कहा था। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। क्या घोड़े उतर क्यों गए हो? अभी तो दो चक्कर हुए हैं, चार चक्कर बाकी हैं। कल पूरे कर लेना। कल क्यों? अंकल के पास जाने का टाइम हो गया। नमस्ते नानी। अरे बॉबी, इतने तेज से कहाँ जा रहे हो? अपने अंकल के पास नानी। अंकल के पास? देखो मैं तुम्हारे क्या लाई हूँ, सेब का मुरब्बा, तुम्हें पसंद है ना? चलो आओ खाओ। ठीक काम का नानी, अभी अंकल का टाइम हो गया। टाटा। चलो बेटी, तूने बॉबी को बहुत ढील दे रखी है, वो बहुत ज्यादा खेल में पड़ गया है। उसे पढ़ने बिठाओ और घर से बाहर निकलने ही मत दो। तुम ठीक कहती हो माँ। सुना आपने, माँ कह रही है बॉबी पर ध्यान देना चाहिए, और मैं भी यही कहती हूँ। आप उसे ग्वालियर भेज दीजिए। सुना है वहाँ बच्चों का बहुत अच्छा स्कूल है। यही ठीक होगा, वहाँ खूब पढ़ेगा लिखेगा, इधर उधर ध्यान नहीं बटेगा। यहाँ तो हाथ से निकला जा रहा है। हाथ से निकला जा रहा है? बाबी यही रहेगा, यही पढ़ेगा मेरी आंखों के सामने, मुझे पूरा भरोसा है। डैडी ये सब मेरे लिए। और क्या बेटे, सब तुम्हारे लिए। डैडी आप कितने अच्छे, मेरे लिए कितने अच्छे खिलौने लाए। डैडी ये देखिए हेलीकॉप्टर कैसा चलता है। ग्रेट। और ये देखो बोइंग 72। डैडी ये देखिए रिच कॉफी पीता है। अरे हाँ जी। और ये देखो कैडिलैक मोटर कार। मोटर बन ले डैडी। डैडी ये मोटर भी देखिए अंकल ने दी। अच्छी है ना डैडी? बहुत अच्छी बेटे, फर्क सिर्फ इतना है कि ये बहुत बड़ी है और ये छोटी है। छोटी है तो क्या हुआ, भागने में बड़ी तेज है। इससे भी तेज ये है बॉबी, इसकी स्पीड तो मानी हुई है। रेस लगा के देख लीजिए ना। मुकाबला बराबरी का होता है,
छोटे और बड़े का नहीं, तुम हार जाओगे। आप हार जाएंगे ना, इसीलिए डर रहे हैं। अभी मालूम होता है कौन कैसे चली आएगी। जो हुकुम हुजूर, चलो। कहाँ चले बाबू, ये सब खिलौने तो ऐसे ही पड़े हैं। ओ, ये जादू का सिपाही तो तुमने देखा ही नहीं। बाद में देखूंगा, अभी टाइम नहीं, अंकल इंतजार कर रहे होंगे। कोई किसी का इंतजार नहीं करता। आज अपने बेटे को हम सिखाएंगे। आप अंकल से अच्छा नहीं सिखाते। अंकल के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, मैं जाऊंगा। कैसे जाते हो मैं देखती हूँ। चल इधर, किसी की सुनता ही नहीं, अपनी मनमानी करता है, बहुत बिगड़ गया। बैठ इधर, खबरदार जो यहाँ से उठा टांग तोड़ के रखूंगा। क्या हुआ भाभी, क्यों रो रहा है? डैडी, मम्मी अंकल के पास जाने नहीं दे रही, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। सोना, भाभी को जाने दो। क्या बेटा? थैंक यू डैडी, थैंक यू। आप फिर सिगार पी रहे हैं, आपने तो छोड़ दिया था। अपने आप को धोखा दिया था मैंने। अब मालूम हो रहा है कि आदत और किस्मत पीछा नहीं छोड़ते। आप सिगार नहीं पिएंगे, मैं अभी बॉबी को वापस लाती हूँ। हेलो सपना, तुम समझती हो मुझे बॉबी के जाने का दुख है इसलिए मैं सिगार पी रहा हूँ। तुम गलत सोच रही हो, जिसका कोई दुख नहीं है। बच्चे जिद तो किया ही करते हैं, और फिर बॉबी के जीवन जाने का मतलब ये तो नहीं है कि वो चला ही गया है। वो तो सिर्फ खेलने के लिए गया है, थोड़ी देर में घर वापस आ जाएगा। हम तो खामखा डर रही है, बॉबी किसी को नहीं चाहता, सबसे ज्यादा वो मुझे चाहता है। मेरे प्यार की उसे कितनी भूख है ये तुम्हें नहीं मालूम। मेरे बिना उसका दिल ही नहीं लगता। क्या मैं नहीं जानता, जब भी कहीं मैं बाहर जाता हूँ वो तो मेरी बातें क्या करता है, पल भर के लिए भी नहीं भूलता। जितनी तड़प मेरे दिल में उसके लिए है, उससे कहीं ज्यादा वो मेरे लिए तड़पता है। तुम ये सब जानती हो, समझती हो, फिर भी चिंता किए जा रही मेरी तरफ। मेरे चेहरे पे कोई चिंता नहीं है, मेरे मन में कोई शांति नहीं है। शांति शांति है, सुख ही सुख है। मैं तुमसे कुछ कहने आई हूँ। अंकल, मम्मी से बात मत करो, मम्मी बहुत खराब है। क्यों? अभी मैं आ रहा था ना तो मम्मी ने रोक लिया, कहती कि अंकल के पास मत जाओ। बॉबी, कान पकड़ा मारा मुझे और कहती अंकल के पास जाओ तो टांग तोड़ दूंगी। इतनी नफरत हो गई मुझसे, मेरे साये से भी अपने बच्चे को दूर रखना चाहती। मैं आज तक धोखे में था कि तकदीर ने हमारे साथ खेल खेला है, लेकिन आज पता चला मेरी जिंदगी के साथ तुम खेल गई। मेरे एक्सीडेंट का भरपूर फायदा उठाया और अपने सारे सपने पूरे कर।
पड़ोसी मर जाता है तो लोग महीनों उसका शोक मनाते हैं। मैं तो तुम्हारा अपना था, तुमसे दो महीने भी काटे ना गए, ऐसी क्या जल्दी थी शादी की? एक मैं हूं, मुझे देखो, बल्कि मेरी मोहब्बत समय के साथ गहरी होती चली गई। आज ये बच्चा मुझे इसलिए प्यारा है कि ये तुम्हारा है, इसे देखकर थोड़ी सी शांति मिल जाती थी। ये मेरा जरा सा वास्ता, इतना सा नाता भी तोड़ देना चाहती हो, मेरी वफाओं का अच्छा सिला दे रही हो तुम। अंकल, निकल गया है और खून लेना पड़ेगा, उसके फादर का खून टेस्ट किया जा रहा है। I'm sorry, कैलाश, तुम्हारा खून बॉबी से नहीं मिलता। हाँ हाँ, कभी कभी अपनों का खून नहीं मिलता। डॉक्टर साहब, मेरा खून ट्राई कीजिए, हो सकता है घर का खून मिल जाए। हाँ हाँ, आइए। तुम्हारा खून मिल गया। तुम्हारा खून मिल गया। क्या तेज बच्चा है, मैं सच कहता हूं भाभी, इस बुद्धू बाप की झलक तक नहीं है इसमें। एक बात पूछो, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबू तुम्हारा ही बेटा हो? क्या पकते हो? Thank you.
कहाँ लिए जा रहे हो? जहाँ मेरी मर्जी होगी ले जाऊंगा। तुम ले जाने वाले कौन हो? तुम पूछने वाले कौन हो? मैं इसका बाप हूं, बॉबी मेरा बेटा है। तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, तुम इसके बाप नहीं हो। सारी दुनिया से जाके पूछो बॉबी किसका बेटा है। बॉबी मेरा बेटा है, ये दुनिया नहीं, तुम जानते हो। नहीं नहीं, ये गलत है, ये झूठ है। यही सच है, तुम झूठे बाप हो। उनका रिश्ता मेरा है, कोई इस बहाव को नहीं रोक सकता। इसे ना ले जाओ, ये मेरा चिराग है। लेकिन जोत मेरी है। बहुत कम सांसें रह गई हैं मेरे पास, और मुझे पूरी जिंदगी काटनी है। अबे हट जाओ, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। अच्छा, मैं अधिकार नहीं देता था। भाभी तुम्हारा ही बच्चा है, लेकिन मैंने इसे पाला है, अपने खून से सींचा इस पौधे को। इसके दिल में मेरी धड़कन है, मेरे शरीर से मेरी आत्मा को छीन कर ना ले जाओ। मैं इसे नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं, दया करो, भगवान के लिए से मुझे दे, मैं इसी के लिए जी रहा हूं। मेरी वीरान दुनिया में आबादी का यही एक निशान है, इसे न मिटाओ, मैं मिट जाऊंगा। छोड़ो मेरा पांव। बॉबी, बॉबी, बॉबी। मुझे सोमना देवी से फौरन मिलना है। लेकिन वो तो अस्पताल गई है। अस्पताल? बहुत भयानक सपना हो गया, जो पसीना पसीना हो गया। कोई हर्ज नहीं, डोज पी लो, ठीक हो जाएंगे। बाबी, बाबी मेरे बच्चे, मेरे बेटे। नर्स, बाबी की तबीयत कैसी है? अब बिल्कुल ठीक है, सिर्फ सो रहा है। सोमना, मैं तुम्ही को ढूंढ रहा था। बाबी किसका बेटा है, मेरा या कैलाश बाबू का? तुम्हें बॉबी की कसम सोमना, तुम्हारा हाथ इसके सर पर है। कहो, कहो ये मेरा बेटा नहीं। अब कोई शक नहीं रहा, मुझे पूरा यकीन हो गया कि बॉबी मेरा बेटा है। और जब ये मेरा बेटा है, मैं इससे अलग नहीं रह सकता। मैं इसे ले जाऊंगा। नहीं, तुम बॉबी को नहीं ले जा सकते। बॉबी तुम्हारा बच्चा नहीं है, मेरा भी नहीं है। बॉबी कैलाश बाबू का बच्चा है, जिनकी वजह से आज ये जिंदा है। अगर हमें उनकी छाया ना मिलती तो आज इसका निशान भी ना मिलता। उन्होंने मेरी खूबसूरती को नहीं, बदसूरती को अपनाया। मेरे कलंकित माथे पे सिंदूर मलकर मेरा झुका हुआ सर ऊंचा कर दिया। अब उन्होंने बॉबी को आसरा ही नहीं, प्यार दिया, अपने दिन रात दे दिए, अपनी आत्मा तक निचोड़ के उसकी रगों में दौड़ा दी। आज बॉबी का रूप उन्हीं का स्वरूप है। वो बॉबी के पांव से चल रहे हैं, उसकी आंखों से देख रहे हैं। तुम उनकी आंखें छीन लोगे, अपना हक जताकर उन्हें अंधेरे में ढकेल दोगे? भगवान के लिए ऐसा ना करो, बॉबी को भूल जाओ। उनकी सांस की डोर बॉबी से बंध गई है, ये टूट गई तो उनके जीवन का तार टूट जाएगा। मैं तुम्हारे सामने हाथ फैला कर उस देवता के जीवन की भीख मांगती हूँ। बस करो सो, और कुछ मत कहो। ये लो, बॉबी कैलाश बाबू का है और उन्हीं का रहेगा। मैं इसकी दुनिया से दूर चला जाऊंगा, बहुत दूर। तुम्हारी खुशी इसी में है ना कि मैं खुश रहूं, और मेरी खुशी इसमें है कि बॉबी खुश रहे। मैं इस बेजुबान की जुबान को समझता हूं। सुन, जिस मिलाप के लिए भगवान ने मुझे तुमसे मिलाया था, उसको पूरा करने का समय आ गया है। मेरा क्या है,
मैं रखवाला हूं, मालिक नहीं, रास्ता हूं, मंजिल है। सोमना, वो तमाम खुशियां जो कभी वक्त ने तुमसे छीन ली थी, मैं चाहता हूं उन्हें फिर से समेट कर तुम्हारे दामन में। भगवान के लिए चुप रहिए, मैं ये सब कुछ नहीं सुनना चाहती, मुझसे ऐसी बातें मत कीजिए। आप लोग जाने के लिए तैयार हो गए? जी। गुड, वेदर रिपोर्ट ओके, मैंने अमर को भी बोल दिया है। मेरे बच्चे, मेरे बेटे, बॉबी, 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 क्या हो गया आपको? कुछ नहीं बेटे, कुछ नहीं। साहब, सामान ले जाता हूँ साहब। आप कहीं जा रहे हैं अंकल? हाँ बॉबी, बहुत दूर जा रहा हूँ। मुझे छोड़कर? साथ छोड़ा नहीं जाता बेटे, छूट जाता है। मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना। मैं कैसे ले जा सकता हूँ भाभी? क्यों नहीं ले जा सकते? यहाँ तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारे तुम्हारे डैडी है। मैं कश्मीर भी हूँ, गैर हूँ। दो दिन की मुलाकात, दो दिन में भूल जाओगे। नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा, आपको नहीं छोड़ूंगा, आपके साथ चलूंगा। नहीं बेटे, तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। कैलाश बाबू, आपका बच्चा। धन्य है वो इंसान करे कुर्बान जो दिल की सारी खुशियाँ अपने घर का दीपक देकर रोशन कर दे किसी की दुनिया। वो इंसान नहीं है एक देवता है, वो इंसान नहीं है एक देवता है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। क्या हुआ? बाबी को शमशेर सिंह उठा ले गया। अब तो 5 लाख रुपए आएंगे और तेरी माँ भी आएगी। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। जाने दूंगा, पहले अपना बदला चुका लो। चला। Thank you.
को फौरन छोड़ दो, नहीं गोली मार दूंगा। पिस्तौल फेंक दो, वरना। डैडी। फेंक दो।
बॉबी, 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 मेरे बच्चे, मेरे बेटे, बॉबी, बॉबी, मम्मी, मम्मी, डैडी, क्या हो गया आपको? सुनिए, सुनिए, आंखें खोलिए। कैलाश बाबू, देखिए आपका बॉबी आ गया है, अपने बॉबी से बात कीजिए। डैडी, डैडी, मैं आपका बेटा बॉबी, आंख खोलिए डैडी, मुझसे बात करिए डैडी, डैडी। मैं डॉक्टर को ले आता हूँ। नहीं, सुनो, अब मेरे पास वक्त कम है। लो, तुम्हारा बच्चा तुम्हें सौंप रहा हूँ। भाभी का ख्याल रखना। और सुनो, सोमना की मांग सिंदूर मिटने ना पाए। बच्चे का नाम बॉबी। बॉबी। बच्चे के बाप का नाम अमर। जी नहीं, स्वर्गीय कैलाशनाथ। मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राह दुलारा।